हेलो गाइस, पीएसजी हमारे यूट्यूब चैनल का और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आई होप गाइस आपकी गेमिंग बहुत ही बढ़िया चल रहा है और भी ज़्यादा बढ़िया चलने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ रियलमी 9i स्मार्टफोन का एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो, उसके साथ ही एक बहुत ही बढ़िया फ्री फायर गेमिंग टेस्ट को लेकर। और गाइस यहाँ पर मेरे हाथ में देख सकते हो रियलमी 9i स्मार्टफोन का बॉक्स। अभी गाइस बॉक्स को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद बॉक्स के अंदर एक छोटा सा डिब्बा देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर है गाइस एक सिम इजेक्टर टूल, उसके साथ ही रियलमी की तरफ से कुछ लव लेटर भी मिल जाता है जिसको आप पढ़ भी सकते हो या नहीं पढ़ भी सकते हो। उसके साथ ही एक सॉफ्ट टीपीयू केस भी बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया है। उसके बाद गाइस बॉक्स के अंदर देख सकते हो है हमारा डिवाइस रियलमी 9i, इसको भी साइड में रख दिया। उसके बाद बॉक्स के एकदम नीचे 33 वाट का एक सुपर फास्ट चार्जर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ ही एक टाइप सी डाटा केबल भी बॉक्स के अंदर रियलमी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। सो गाइस ये था रियलमी 9i स्मार्टफोन का बॉक्स कंटेंट। अब एक छोटा सा फ्री फायर गेमिंग टेस्ट देख लेते हैं। लेकिन गाइस गेमिंग टेस्ट को देखने से पहले अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना, उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना जिससे मेरा हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले चलेगा तुम्हारे पास। सो यहाँ पर देख सकते हो हमारा फ्री फायर गेम इंस्टॉल हो गया है। सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर सेटिंग्स दिखा देता हूँ। सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद गाइस सेंसिटिविटी देख सकते हो, डिफॉल्ट सेंसिटिविटी पर है लेकिन यहाँ पर जनरल सेंसिटिविटी को मैं पूरा 100 कर दिया और रेड डॉट जो है इसको गाइस मैं 85 के करीब रख दिया। और गाइस आपकी फोन के ऊपर रेड डॉट और जनरल सेंसिटिविटी कितना रखते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद गाइस यहाँ पर ग्राफिक्स देख सकते हो, अल्ट्रा पर मैं गेम को खेलूंगा। उसके साथ ही जो हाई रेस है इसको हाई कर दिया, शैडो को भी गाइस ऑन कर दिया, जो कलर फिल्टर का ऑप्शन दिया गया इसको यहाँ पर ब्राइट कर लिया और हाई FPS का ऑप्शन को हाई करके मैं क्लैश कोड रैंक मैच स्टार्ट करता हूँ। और गाइस इस क्लैश कोड रैंक मैच के अंदर हम देखेंगे फोन का सेंसिटिविटी कितना बढ़िया है, उसके साथ ही फ्री फायर गेम को अल्ट्रा ग्राफिक्स पर खेलने से ये फ़ोन लैग होता है क्या नहीं और ये फ़ोन हीट करता है क्या नहीं एक क्लैश कोड रैंक मैच खेलने के बाद, ये भी गाइस हम देखेंगे। सो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते हैं। अगर गाइस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखोगी तो इस फोन के बारे में गेमिंग इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर ही सब कुछ पता चल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर ही गाइस मैं इस स्मार्टफोन का जो हाईलाइटिंग स्पेसिफिकेशन है वो स्पेसिफिकेशन भी आप सभी लोगों को बता दूंगा। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहो। और यहाँ से गाइस मैं सीधा आपको फाइट सीन के ऊपर ले चलता हूँ। और गाइस देख सकते हो हम फाइट सीन के ऊपर आ गए और गाइस मेरे राइट साइड में एक बंदा है, इसको ओ भाई साहब एक ही गोली में वन टैप मार दिया और यह बंदा को गाइस यहाँ पर फिनिश करना पड़ेगा नहीं तो इसको रिवाइव कर देगा। और सामने भी गाइस एक बंदा है, लास्ट बंदा गाइस बचा है, लास्ट बंदा यहाँ पर बच गया है, इसको भी गाइस वन टैप देने का ट्राई करते हैं। अगर गाइस इसको भी वन टैप लग गया तो गाइस समझूंगा इस फोन का सेंसिटिविटी बहुत ही बढ़िया है, दो वन टैप मारा नहीं लगा। और गाइस तीसरे वन टैप पर बहुत ही बढ़िया तरीके से 247 का एक हेड लग गया है। सो गाइस अब बोल सकते हो वन टैप मारने के लिए ये स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया है क्योंकि गाइस बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर वन टैप हेडशॉट लग जाता है इस स्मार्टफोन के ऊपर। और गाइस आप सब लोग देखते रहना इस स्मार्टफोन से कितना बढ़िया तरीके से और भी वन टैप हेडशॉट या ड्रैग हेडशॉट लगता है। तब तक मैं इस स्मार्टफोन का जो मेन स्पेसिफिकेशन है वो स्पेसिफिकेशन आप सभी लोगों को बता देता हूँ। और गाइस आप सब लोग जानते हो मैं कोई भी स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन बताने पर सबसे पहले उस स्मार्टफोन का प्रोसेसर को ही देख लेता हूँ क्योंकि गाइस कोई भी स्मार्टफोन का प्रोसेसर जितना बढ़िया होगा उस स्मार्टफोन का गेमिंग परफॉर्मेंस भी उतना बढ़िया ही देखने के लिए मिलेगा, उसके साथ ही डेली टास्क परफॉर्मेंस भी बहुत ही गजब का देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए गाइस इस स्मार्टफोन के ऊपर गेमिंग के लिए जो प्रोसेसर यूज किए गए वो है गाइस स्नैपड्रैगन का 680 4G चिपसेट और इंडिया में रियलमी 9i स्मार्टफोन के ऊपर ही ये चिपसेट सबसे पहले यूज किया गया है। और यहाँ पर गाइस सबसे पहले देखते हैं इस प्रोसेसर का CPU क्लॉक स्पीड क्या है। स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर के ऊपर CPU क्लॉक स्पीड डुअल आर्किटेक्चर के ऊपर मिल जाता है जहाँ पर 4x x 4x का बिगलिटी अप्रोच दिया गया है। पहला 4x बिगलिटी अप्रोच के अंदर कॉर्टेक्स A73 का यूज किया गया जिसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 2.4 GHz और दूसरा 4x बिगलिटी अप्रोच के अंदर कॉर्टेक्स A53 का यूज किया गया जिसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 1.8 GHz। अब गाइस CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस का बात करते हो तो आप सब लोग जानते हो CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस मतलब गाइस प्रोसेसर का नैनोमीटर साइज जितना कम होगा
प्रोसेसर उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके साथ ही प्रोसेसर हीट भी कम होगा और बैटरी एफिशिएंस भी उस प्रोसेसर का उतना ही बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर के अंदर जो सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस दिया गया है वह गाइस सिर्फ 6 nm, मतलब गाइस सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में ये प्रोसेसर एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, जहाँ पर आपको हीट भी कम मिल जाएगा, उसके साथ साथ ही बैटरी एफिशिएंस भी बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगा इस प्रोसेसर के ऊपर। और इस प्रोसेसर के अंदर जो गाइस जीपीयू यूज किया गया है वो है गाइस एड्रियो का 610 जीपीयू। सो गाइस ये था रियलमी 9i स्मार्टफोन का प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन। अब गाइस देखते हैं इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन क्या है। रियलमी 9i स्मार्टफोन के अंदर जो डिस्प्ले यूज किया गया है वो है 6.6 इंच का फुल HD+ LCD डिस्प्ले। और LCD डिस्प्ले होने के बाद भी इस स्मार्टफोन का जो मैक्सिमम ब्राइटनेस दिया गया है वो है 480 nits का। उसके साथ ही इस डिस्प्ले का जो स्किन टू बॉडी रेशियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो है गाइस 90.80%, मतलब गाइस बहुत ही कम बेजल्स इस स्मार्टफोन के ऊपर देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन गाइस इस डिस्प्ले के ऊपर गेमिंग के लिए जो चीज बहुत ही बढ़िया दिया गया है वो है 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट। उसके साथ साथ ही इस डिस्प्ले के ऊपर आपको 180Hz टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, जो गेमिंग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज है और इसीलिए इस स्मार्टफोन का सेंसिटिविटी बहुत ही बढ़िया देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। सो गाइस इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन तो आपको बता दिया, अब देखते हैं इस स्मार्टफोन का रैम और रोम वेरिएंट यहाँ पर क्या दिया गया है। रियलमी 9i स्मार्टफोन के अंदर आपको दो ही रैम और रोम वेरिएंट देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पर बेस वेरिएंट है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट का, जिसका प्राइस है 13,999 rupees। उसके साथ ही जो हायर वेरिएंट है वो है गाइस 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट, जिसका गाइस प्राइस है 15,999 rupees। और इस दोनों वेरिएंट के अंदर ही LPDDR4X का रैम सपोर्ट और UFS 2.1 का स्टोरेज वेरिएंट का सपोर्ट देने के लिए मिल जाता है। सो गाइस रैम और रोम वेरिएंट के बाद आप देखते हैं इस स्मार्टफोन का बैटरी और चार्जिंग स्पेसिफिकेशन को। रियलमी 9i स्मार्टफोन के ऊपर आपको मिल जाएगा 5000mAh का एक मैसिव बैटरी, और इस मैसिव बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है 33W का एक डार्ट चार्जर, जिसके मदद से आप इस स्मार्टफोन को बहुत ही जल्दी चार्ज कर सकते हो। सो गाइस ये था इस स्मार्टफोन का बैटरी और चार्जिंग स्पेसिफिकेशन। अभी गाइस इस स्मार्टफोन का कैमरा स्पेसिफिकेशन को भी देख लेते हैं। रियलमी 9i स्मार्टफोन का अंदर आपको रियर साइड के ऊपर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर मेन सेंसर है 50MP का, उसके साथ ही 2MP डेप्थ और 2MP मैक्रो सेंसर का यूज किया गया है। उसके साथ साथ ही जो फ्रंट कैमरा यहाँ पर यूज किया गया वो 16MP का एक फ्रंट शूटिंग सेंसर। और गाइस इस दोनों कैमरे के मदद से ही आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 1080p 30fps सेकंड के ऊपर। उसके साथ ही गाइस इस दोनों कैमरे के अंदर ही आपको पैनोरामा, पोर्ट्रेट, नाइटस्केप ऐसे बहुत सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस इस स्मार्टफोन का अंदर प्रॉक्सिमिटी जायरोस्कोप जैसे बहुत सारे खटरमटर चटपटर सेंसर का यूज भी किया गया है। और गाइस इस स्मार्टफोन के ऊपर 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट दिया गया है, ब्लूटूथ वर्सन 5.0 का सपोर्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ ही गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर डुअल स्पीकर का यूज किया गया, जिसका लाउडनेस और क्लियरिटी मेरे को पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा है। और गाइस इस स्मार्टफोन के ऊपर आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है रियलमी UI 2.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11। और गाइस ये स्मार्टफोन दोनों कलर वेरिएंट के ऊपर आता है, एक है ब्लैक और एक है ब्लू, जो गाइस आपको रियलमी स्टोर और फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस ये था रियलमी 9i स्मार्टफोन का ओवरऑल स्पेसिफिकेशन, और प्राइस रेंज के हिसाब से ये स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आता है गेमिंग के लिए, जिसके वजह से गाइस यहाँ पर देख सकते हो 8 kill के साथ मैं MVP ले लिया और भूया भी यहाँ पर हो गया है। और इस स्मार्टफोन के लैगिंग इशू की बात करें तो पूरा गेम प्ले के अंदर कुछ कुछ प्लेस में मेरे को थोड़ा छोटा मोटा लैग देने के लिए जरूर मिला है, लेकिन इस स्मार्टफोन के ऊपर मेजर हीटिंग इशू नहीं है, यह स्मार्टफोन ज्यादा हीट नहीं होता है। बट गाइस गेमिंग के लिए रियलमी 9i स्मार्टफोन से कई गुना ज्यादा बेटर मेरे को रियलमी नाजो 30 स्मार्टफोन लगा है, जहां पर हीलियो G96 का प्रोसेसर मिलता है। और उस स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग वीडियो और फ्री फायर गेमिंग टेस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। सो गाइस एक बार चेकआउट जरूर कर लेना।